अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोया के इस BYMM1 का रिव्यू। क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग जो है आज आई थिंक कल या परसों एक या दो दिन पहले पोस्ट कर दी, अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, और अब इसका रिव्यू की बारी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका मुकम्मल रिव्यू, जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ इसका कंप्लीट डेडिकेटेड एक रिव्यू, और साथ में इसकी साउंड क्वालिटी स्मार्टफोन के साथ कैसी है उसमें कहना करके आपको दिखाऊंगा, और साथ में DSLR के साथ इसकी क्या क्वालिटी है और कितनी रेंज होनी चाहिए हमारे इसको, मतलब दूर या करीब करके हम जो इसको वीडियो कितनी दूर तक शूट कर सकते हैं, कितना अच्छा इसका नॉइस कैप्चर है, कितना डीनॉइस कैप्चर करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने क्या करना है इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले इसका एक क्विक सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ताकि जो लोग आज नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, तो अभी जो है इसके मैं पहले मुकम्मल फीचर्स आपको बयान कर लूं। सबसे पहला इसका फीचर ये है कि ये स्मार्टफोन्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, टैबलेट्स और DSLR या फिर किसी भी कैमकॉर्डर वगैरह, मतलब किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा मेन जो फ़ायदा वो ये है, क्योंकि यूजुअली जो कंपनीज होती हैं वो आपको इस प्राइस टैग के अंदर ये फीचर नहीं प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इसके अंदर आपको दो केबल एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये कार्डियोइड माइक्रोफोन है, शॉटगन माइक्रोफोन है, और इस प्राइस टैग के अंदर हमें किसी भी और कंपनी में बाय करना शॉटगन माइक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल से हमारे लिए बात होती है। तो मैं इस बॉक्स को रख देता हूँ साइड पर। तो सबसे पहले ये मैं जो है ना उसके अंदर आपको दिखाना भूल गया था अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने बनाई थी। तो यार ये रहा यहाँ पर हमारा ये वारंटी कार्ड। अगर मैं इस वारंटी कार्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है वारंटी कार्ड, यहाँ पे boyamic.com लिखा गया है। इसके अलावा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर यहाँ पर, ये जो मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ से स्क्रैच होगा यहाँ से आपको नंबर वगैरह मिलेगा, इस तरह आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, तमाम चीज़ें, ये जो है ना सिग्नेचर वगैरह, ये बहुत काम की चीज़ होती है, लोग इसको जो है ना फेंक देते हैं या फिर इसको रजिस्टर नहीं करते। बोया के मैच को किस तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। इसके अलावा हमारे पास यहां पे जो मिल जाती है एक यूजर मैनुअल, इसके अलावा हमारे पास में जो मौजूद है यार वो है यहां पर एक TRRS केबल, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही जिक्र किया था। और ये है DSLR के लिए, राइट, ये वाली हमारे पास जो अभी केबल दिख रही है अभी आपको, ये DSLR से कनेक्ट करने के लिए है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो केबल देखने के लिए मिलती है वो ये देखने के लिए मिलती है, और ये जो केबल है यार ये मैं बताऊँ तो आपको बहुत ही आउटक्लास केबल है ये भी, और ये स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए है। इसके अलावा एक हमें मिलती है यहाँ पर एक अदा सिलिका जेल, जो कि खा लेना कभी, तो उसको रख देते हैं साइड पे। उसके बाद में हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर माउंट। अब ये जो माउंट है यार यही जो है ना मेन चीज़ है जो कि आपके माउंट करेगा जो अपना आपका जो माइक्रोफोन है उसको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक केस भी देखने के लिए मिलता है आपको। तो ये तमाम चीज़ें बॉक्स कंटेंट होगा इसके, मैंने चाहा कि मैं दोबारा से एक अनबॉक्सिंग क्विक सी कर दूँ। ये रहा हमारा माइक्रोफोन, तो इसको भी अभी हम जो है ना यहाँ से रख देंगे साइड पर, इन तमाम कंटेंट्स को उठाकर अभी मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड पे। या तो दोस्तों ये रहा हमारा मेन माइक्रोफोन, यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग भी है, तो इस तरह ये अंदर से कुछ निकल जाता है। ये रहा हमारा फुल माइक, मैंने आपको बताया था कि मेटल का बना हुआ है एकदम, तो और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है रियली मैं बता रहा हूँ कि इसको पकड़ने के बाद एक प्रीमियम फील आ रही है। नेक्स्ट चीज़ यार ये जो डेड कैट होती है, इसको हम वाइंडशील्ड भी बोलते हैं, वाइंड स्क्रीन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस माइक्रोफोन में, इन माइक्रोफोन में आपको मैं बता रहा हूँ कि मेन किरदार जो होता है वो इन्हीं का ही होता है, क्योंकि यही आपको नॉइस से जो है रिडक्शन दिलवाती हैं। इसके अलावा वरना इस माइक्रोफोन का जो साउंड है वो मतलब बिल्कुल ही बेकार होगा अगर आप इसको नॉर्मल इस तरह शूट करते हैं। अगर आपकी ख़राब हो जाती है या गुम हो जाती है डेड कैट, तो फिर आपका ये जो माइक्रोफोन है ये मतलब एकदम बेकार है। तो इसलिए इसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही जो है ना ये जो चीज़ है डेड कैट की मेन चीज़ है, और ये महंगी भी बहुत है। जिस प्राइस टैग में ये माइक्रोफोन आता है उस प्राइस टैग की सिर्फ आपको ये देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये जो डेड कैट है वो देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए अवॉइड करिएगा कि इसको कुछ हो ना, तो बाकी देखते हैं फिर। हमारे पास यहाँ पर ये एक केबल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि है यहाँ पर अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो स्मार्टफोन के लिए, राइट,
तो ये इतनी बड़ी केबल है। अब स्मार्टफोन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि ये वाला एक हैंड फ्री का एक जैक लग रहा होता है, जो कि बहुत जहाँ पर 3 पिन होती है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखें स्मार्टफोन यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मार्टफोन और पिक्चर भी लगाई गई है। इसके अलावा DSLR या फिर जो ऑडियो डिवाइस होते हैं उसके अंदर ये 2 पिन वाला लगता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है माइक्रोफोन लिखा गया है। ये वाली तार जो आपकी माइक्रोफोन में लगेगी और ये वाली स्मार्टफोन के अंदर लगेगी। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए इन्होंने अब यहाँ पर लगा के दे दिया है कि ये स्मार्टफोन के लिए है और ये माइक्रोफोन के लिए। इसमें तो मुझे बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बाकी DSLR की केबल है दोनों ही तरफ, अगर आप देख सकते हो कि दो दो कट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला हमें। अब वन ऑफ द मेन थिंग के इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। राइट, कि माइक्रोफोन आपने उठाया, ठीक है, इस माइक्रोफोन को बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हो माइक की जो है यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं सारी, ये तो ये वाला जो लेयर है आपको इसके अंदर बहुत आसानी से जब आप डालेंगे तो ये चला जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि पूरा मेटल का बना हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको लगाना, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर अभी जो है इस तरीके से आप वापसी डेड कैट इसके ऊपर लगा दें तो ये कुछ इस तरीके का आपको लुक प्रोवाइड करेगा माइक्रोफोन। तो ये रहा हमारा पूरा माइक जो है, देख सकते हो अभी एकदम सेटअप हो चुका है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है। तो अभी जो है हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं पहले, कि ये इनडोर में जब भी मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना तो खैर कोई नॉइस नहीं है, लेकिन अभी भी है बहुत सारा नॉइस, लेकिन फिर भी आसपास का शोर है वो आ रहा है, जो कि इस बोए का हमारा जो माइक है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं करता। तो इसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये कितना कैप्चर करता है। पहले इसको हम टेस्ट करते हैं इतनी दूर से कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो पहले मैं इसको स्मार्टफोन के अंदर टेस्ट करता हूँ कम्प्लीटली, उसके बाद चलेंगे DSLR की तरफ। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी स्मार्टफोन ले आया हूँ जाकर, और क्योंकि मेरे दूसरे रूम में रखा हुआ था, तो अभी हम जल्दी से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो केबल है जहाँ पर 2 कट्स हैं वो लगेगी माइक्रोफोन के अंदर यूँ, और ये वाली जो है केबल है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो जी हाँ, माइक्रोफोन जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसकी ऑडियो को पहले रिकॉर्ड कर लूँ ज़रा ऑडियो रिकॉर्डर से, देन हमें एक अंदाज़ा हो पाएगा कि जो हमारी जो ऑडियो है वो कैसी आ रही है। तो दोस्तों अभी ये जो माइक्रोफोन है इसको मैं बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर करीब करके बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको करीब करके बोलता हूँ, ताकि इतना करीब ताकि मैं आपको एक आइडिया दे पाऊँ कि अगर इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए अगर आपको ये माइक यूज़ करना है तो ये कैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है करीबी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बोया के BY-MM1 माइक्रोफोन के बारे में। इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे, जो कि अभी हम कर ही रहे हैं। तो करीब करके मैं अभी माइक्रोफोन को बोल रहा हूँ और आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो पा रहा होगा अभी कि क्वालिटी इसकी कैसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बोया के BY-MM1 माइक्रोफोन के बारे में। इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे, जो कि अभी हम कर ही रहे हैं। तो करीब करके मैं अभी माइक्रोफोन को बोल रहा हूँ और आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो पा रहा होगा अभी कि क्वालिटी इसकी कैसी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि इसकी साउंड क्वालिटी है वो एकदम ऑसम किस्म की सुनाई दे रही है, और मैं इसको डायरेक्टली जाके कंपेयर कर सकता हूँ BM-800 वाला जो मैंने एक माइक्रोफोन लिया था अपना उसके साथ में, क्योंकि उसकी भी क्वालिटी कुछ इसी तरह की है करीब करके बोलने पर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ उसको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बाय करने के लिए। सेकेंडली अभी हम कनेक्ट करके, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं व्लॉगिंग वगैरह के लिए। तो व्लॉगिंग के लिए अगर हम देखें तो इतना दूर, मतलब मेरे आर्म से इतना दूर का भी मतलब होना चाहिए माइक्रोफोन, तब देखते हैं कैसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन को माइक्रोफोन को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, इतना दूर अपने से, और पीछे होके मैं ज़रा बोलूँगा। तो अब की बार आप लोग सुनिएगा कि इसकी वॉइस कैसे आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बोया का BY-MM1 का रिव्यू, साउंड टेस्ट, तमाम चीज़ें। तो आप लोग देखना है बस इस वीडियो के एंड तक। और साउंड टेस्ट अभी चल ही रहा है, तो आई डोंट नो कि अभी फिलहाल कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं भी आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बोया का BY-MM1 का रिव्यू, साउंड टेस्ट, तमाम चीज़ें। तो आप लोग देखना है बस इस वीडियो के एंड तक। और साउंड टेस्ट अभी चल ही रहा है, तो आई डोंट नो कि अभी फिलहाल कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं भी आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि काफ़ी मतलब मैंने दूर कर दिया था तकरीबन 1-1.5 फीट जितना हमारा व्लॉगिंग का होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे, तो उसके बावजूद इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। पर्सनली आई लाइक इट, और जो पैसे थे वो वसूल हो गए हैं। और अभी जो है ना DSLR की बारी है, DSLR के ऊपर मैं कनेक्ट करता हूँ, उसके बारे में आपको अपने जो है यहाँ पर इतना ही दूर। DSLR अभी मेरे से तकरीबन आप कह सकते हो कि 5-6 फुट दूर रखा हो, क्योंकि मैंने 50mm लेंस लगाया हुआ इसके ऊपर, तो प्रीज़ूम उसका थोड़ा बहुत होता है ना, तो इसलिए उसको दूर रखना पड़ता है थोड़ा। तो इसलिए जो है मैं पहले उसको वहाँ पे आके फिट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है साउंड। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो मेरा माइक्रोफोन था, वो जो कैमरा था मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा दूर था मेरे सेटअप से। तो अभी आपको जो वॉइस क्वालिटी सुनाई दे रही है वो बोया के BY-MM1 से सुनाई दे रही है, जो कि मेरे DSLR के एकदम ऊपर लगा हुआ है अभी। और इसका मेरे से फासला काफ़ी ज़्यादा दूर का है, और मैं कह सकता हूँ कि एक इतना फासला है कि ड्रामा या मूवी शूटिंग हमारी जो हो रही होती है, तो इतना तो हमें जो है फासला रखना पड़ता है। 50mm का फासला जो है यहाँ पर अभी है 50mm, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेंस लगाया हुआ है। कुछ 5 फिट तक हमारा जो है यहाँ पर अभी फासला है। तो अभी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है वो इस बोया के BY-MM1 से देखने के लिए मिल रही है। तो इतना दूर होने के बावजूद भी आप कह सकते हो कि ये जो हमारा रूम है, ये एक कोना है रूम का, तो वो जो ट्राइपॉड रखा हुआ है वो दूसरे कोने में रखा हुआ है। तो आप ज़्यादा बेटर आईडिया कर सकते हो अभी कि इसकी साउंड क्वालिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, क्योंकि मैं अभी जब तक DSLR की जो फुटेज है वो कंप्यूटर पर ट्रांसफर नहीं करूंगा, तब तक मुझे सुनाई नहीं देने वाला क्योंकि सही इसकी क्वालिटी क्या है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, लेकिन अभी तक जहाँ बोया का BY-MM1 नहीं लगा हुआ है ऊपर, तो आई डोंट नो क्वालिटी कैसी आ रही है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बस बताना है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये सेटअप कैसा लगा, क्या वीडियो ऐसे ही बनाया करूँ या फिर वही पुराना वाइट बैकग्राउंड हमारा ठीक था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना इसके बारे में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हो तो कर लेना, और सेटअप टूर अगर चाहते हो कि नया सेटअप और पुराना वाला कैसे शूट करता था, वो तमाम चीज़ों के बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं तमाम चीज़ों को डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग राय होगी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बना दूंगा, अगर आप लोग लेट करोगे तो फिर मैं भी लेट करूंगा। तो और नहीं कुछ वीडियो में बनाने के लिए, मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग किस्म की वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।